जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकवादियों का कहर देखने को मिल रहा है। आतंकियों ने यहां कायरतापूर्वक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसमें 5 जवानों की शहादत हो गई है। 5 जवान गंभीर रूप से घायल भी हैं। और सरकार का पुराना बयान है कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिन हथियारों का उपयोग इस दौरान किया गया है वो अमेरिका निर्मित थे। 26 जून 2024 को डोडा में जो एनकाउंटर हुआ उसमें भी मारे गए आतंकियों के पास से यही असॉल्ट राइफल मिली थी। इससे पहले कठुआ में 12 जून को भी आतंकियों से हुए मुठभेड़ में यही राइफल मिली हुई थी। अब सवाल यह है कि अब तक AK-47 या उस जैसी बंदूकें लेकर चलने वाले ये आतंकवादियों के पास अचानक ये घातक गन कहाँ से मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इराक युद्ध और सीरिया गृह युद्ध के समय हजारों M4 कार्बाइन या तो लूट ली गई थी या चोरी हो गई थी। आतंकी समूहों ने इन्हें अमेरिका और इराकी सैनिकों के डिपो से चुराया है। ये हजारों अल्साट राइफल ISIS और अलकायदा के पास पहुंची। M4 कार्बाइन का इस्तेमाल यह दिखाता है कि आतंकियों की पीठ पश्चिम देशों के हथियार भंडार तक भी है। वे उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनका हथियार का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के समर्थन वाली सेनाओं ने कई आतंकी संगठनों को शुरुआत में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी है, इसलिए आतंकियों को इसे चलाने की ट्रेनिंग या संचालन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वहीं जानकारों का तो ये मानना है कि तालिबान और अन्य आतंकी समूहों ने अलग अलग तरीकों से M4 कार्बाइन जुटाए हुए हैं। इसमें अमेरिकी और अफगानिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को किडनैप और मारना वगैरह शामिल है। वहीं हूती विद्रोहियों ने यमन सरकार और सऊदी के नेतृत्व वाली सेना के जंग के बीच M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया था। उनके पास ये हथियार कहां से आया इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। खबरों की माने तो ये दुनिया के अत्यधिक भरोसेमंद अल्साट राइफलों में से एक है। साल 1987 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब तक 500,000 से ज़्यादा M4 कार्बाइन बन चुकी है। 30 राउंड गोलियों वाली मैगजीन के साथ इसका वजन 3.52 किलोग्राम होता है, जिसे लेकर चलना आसान है। अमेरिकी सेना के लिए बनाई गई असॉल्ट राइफल क्लोज कॉम्बैक्ट यानी कि नज़दीकी लड़ाई में इस्तेमाल होती आई है। यह अमेरिका इन्फैक्ट्री का पहला हथियार है। राइफल का पिछला हिस्सा स्टॉक खोलने पर यह करीब 33 इंच लंबी हो जाती है। बंद करने पर 4 इंच छोटी इसकी बैरल यानी कि नली की लंबाई 14.5 इंच है, जिसमें 55.56 mm की मोटी ग्रेड गोलियां लगती हैं। यह बंदूक 1 मिनट में 700-970 राउंड गोलियां दाग सकती हैं। यह निर्भर करता है कि उसे चलाने वाले पर। गोलियां 2986 फीट प्रति सेकंड की गति से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, यानी दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं मिलता है। 6000 मीटर की रेंज पर निशाना चूकने का सवाल तक नहीं होता है, लेकिन 3600 मीटर तक गोली मारी जा सकती है। इनमें 30 राउंड की स्टैंडिंग मैगजीन लगी होती है, साथ ही कई तरह के राइट्स भी लग सकते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर ये आतंकवादियों को पसंद क्यों आती है। तो बता दें कि M4 कार्बाइन दुनिया के बहुत सारे देशों में इस्तेमाल की जाती है। कई देशों की मिलिट्री पुलिस और अर्धसैनिक बल इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से ब्लैक मार्केट में मिल जाती है। एक वजह यह भी है कि यह असॉल्ट राइफल AK-47 की तरह भरोसेमंद और टिकाऊ मानी जाती है। इतना ही नहीं, यह असॉल्ट राइफल कई तरह के एम्यूनिएशन की फायरिंग कर सकता है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी सेट हो जाता है। कई तरह के टैक्टिकल मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ये भी बता दें कि दुनिया भर के आतंकियों के पास कितनी M4 कार्बाइन है यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि यह जानकारी कहीं भी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है। लेकिन ज़्यादातर और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली असॉल्ट राइफल AK-47 है, या फिर स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले हथियार। अब आतंकियों द्वारा भारत में किए गए इस हथियार से हमला चिंता का विषय है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।